हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द स्माइल हैज लेफ्ट योर आईज ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को देख ले। पिछले सारे ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। विदाउट एनी डिले चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कई आदमी आके मुयोंग के ऊपर हमला करते हैं और जिनकांग जब मुयोंग के घर में आती है तब मुयोंग को कुछ लोग मार रहे हैं। ये देख के वो तुरंत पुलिस को कॉल करके वहां बुलाती है और इसके बाद खुद ही उन गुंडों को रोकने के लिए चली जाती है। तो वो लोग जब जिनकांग को वहां देखते हैं तब वो लोग मुयोंग को वहां छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद जिनकांग मुयोंग को हॉस्पिटल ले जाती है और पुलिस को उन गुंडों के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन देती है। इसके बाद मुयोंग को होश आता है और होश आने के बाद ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर आ जाता है और जिनकांग भी मुयोंग के पीछे उसके घर आती है और उसको बताती है कि उसे हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। और फिर जिनकांग पूछती है कि वो लोग कौन थे जो कि मुयोंग को मारना चाहते थे, लेकिन मुयोंग को भी नहीं पता था कि वो लोग असल में थे कौन। इसके बाद मुयोंग जिनकांग को बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ बैठ के केक नहीं खा सकती। तो ये बोल के मुयोंग जिनकांग का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद जिनकांग बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है और उसे भी मुयोंग के लिए कुछ फील होने लगता है, लेकिन बाद में वो अपने हाथ को छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन जिनकांग छोरेंग के साथ डेट पे जाती है, लेकिन उसके साथ डेट में जाके भी जिनकांग मुयोंग के बारे में ही सोचती रहती है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जिनकांग भी धीरे धीरे मुयोंग को पसंद करने लगी थी। आगे मियोन मर्डर केस में सांग हुन बाइज्जत बड़ी हो जाता है तो पुलिस फिर से इस मर्डर केस को ओपन करते हैं। उधर सेयोंगा फाइनली अपनी स्टूडियो को बेच देती है और फिर उसे याद आता है उस दिन के बारे में जिस दिन मुयोंग को उसने उसके साथ कोरिया से बाहर जाने के लिए ऑफर दिया था। उस दिन मुयोंग ने उसे बोला था हम लोगों को अब अलग हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने तुमसे कभी भी प्यार ही नहीं किया। ये सब याद करके सेयोंगा फिर से हीजुन के यूनिवर्सिटी में कॉल करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वहाँ हीजुन नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ता और मुयोंग ने उसे झूठ बोला था। तो ये जानने के बाद वो फिर से मुयोंग को लास्ट बार के लिए मिलने बोलती है। तो मुयोंग अपने शरीर के घाव को छुपा के सेयोंगा से मिलता है, जहाँ सेयोंगा उसको स्टूडियो बेचने के बाद जो पैसे मिले थे वो दे के बोलती है कि क्या तुमने मेरे साथ प्यार करने का ढोंग किया सिर्फ कुछ पैसों के लिए। जिसके जवाब में मुयोंग बोलता है कि हाँ, उसने पैसों के लिए ही सब किया है। तो ये सुन के सेयोंगा दुखी होके जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि मुयोंग लंगड़ा के चल रहा है। तो ये देख के सेयोंगा ठीक से मुयोंग की तरफ देखती है, जहाँ वो देखती है कि उसके पूरे ही शरीर में घाव के निशान थे। तो ये देख के सेयोंगा मुयोंग से पूछती है कि क्या ये उसंग नहीं किया है। जिसके जवाब में मुयोंग कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ हम जान पाते हैं कि उसंग ने ही अपने आदमियों को भेज के मुयोंग का धुलाई किया था, क्योंकि उसंग मुयोंग के ऊपर गुस्सा था क्योंकि सेयोंगा ने मुयोंग की वजह से ही उसंग से ब्रेकअप कर लिया था। फिर उसंग के पास उसकी सेक्रेटरी आके उसको बोलते हैं कि अब मुयोंग का एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है जिनकांग, और जिनकांग मुयोंग का गर्लफ्रेंड है ऐसा उसंग की सेक्रेटरी को इसीलिए लगा था क्योंकि उसके आदमी जब मुयोंग को मार रहे थे तब उसने जिनकांग को मुयोंग के घर के तरफ दौड़ के जाते हुए देखा था। आगे आर्ट्स ब्रियोरी में से निकल दिए जाने के बाद मुयोंग एक और बियर कंपनी में ज्वाइन करता है और उस कंपनी में आर्ट्स ब्रियोरी से पार्टी इन्विटेशन आती है जिस पार्टी को उसंग होस्ट करने वाला था। तो नए बियर कंपनी की तरफ से मुयोंग उस पार्टी में जाता है और उस पार्टी में जिनकांग के कंपनी के लोग भी जाते हैं और उसी पार्टी में जिनकांग उसंग के सेक्रेटरी को देखती है, जिसको देख के जिनकांग को याद आता है कि उसने उसंग के सेक्रेटरी को उस दिन मुयोंग के घर के बाहर देखा था जिस दिन कुछ लोगों ने मुयोंग को मारा था। तो ये याद आने के बाद जिनकांग समझ जाती है कि उसंग ने ही लोग भेजे थे मुयोंग को मारने के लिए। तो ये समझ जाने के बाद जिनकांग पार्टी में मुयोंग को ढूंढने लगती है ताकि वो उसको इस बारे में बोल सके। उधर सेयोंगा को मुयोंग एक पार्सल भेजता है जहाँ पर वो पैसे थे जिसको सेयोंगा ने मुयोंग को दिया था और एक नोट भी था जिसमें मुयोंग ने लिखा था कि मुझे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम कोरिया से बाहर जहाँ भी जाना चाहती हो वहाँ हम दोनों एक साथ जा सकते हैं। तो इस नोट को देख के सेयोंगा बहुत ही खुश हो जाती है और दूसरी तरफ मुयोंग और उसंग अकेले में बातें करते हैं,
जहाँ मुयोंग बोलता है कि मार खाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे मार खाने में जितनी तकलीफ हुई उतनी ही तकलीफ तुम्हें भी हुआ होगा जब सेवा ने तुम्हें मेरे लिए छोड़ा था। ये सुन के उसंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सेवा का ब्रेकअप हो चुका है और तुमने सेवा से पैसे भी लिए है। तो मुयोंग बोलता है कि हाँ मैंने पैसे लिए है और ये मैंने जो सेवा के ऊपर 2 महीने एफर्ट्स किया है उसका तनख्वाह है। इसके बाद मुयोंग बोलता है कि मैं पहले सेवा को फंसाने नहीं वाला था लेकिन बाद में जब तुम्हें सेवा के साथ वैसे बिहेव करते हुए देखा तब मैं समझ गया था कि सेवा को पटाना आसान होगा क्योंकि सेवा तुमसे तंग आ गई थी और उसे कोई ऐसा चाहिए था जो कि उसका ख्याल रखे, इसीलिए मैंने उसको पटाया और अब भी मैं उसके साथ ब्रेकअप नहीं करूंगा। तो ये सुन के उसंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जिनकंग के साथ रिलेशनशिप में हो, क्या होगा अगर सेवा को पता चल गया कि कैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड जिनकंग उसके बॉयफ्रेंड मुयोंग को यूज कर रही है उससे पैसे निकलवाने के लिए। ये बोल के उसंग चला जाता है। आगे सेवा अपनी माँ के लिए एक लेटर लिखती है कि वो घर छोड़ रही है। ये लिख के वो घर से निकल जाती है और मुयोंग जिस पार्टी में था वहाँ पहुँचती है। तो सेवा जब वहाँ पहुँचती है तब उसंग उसको देख के उसे मुयोंग ने सेवा के बारे में उसको जो भी बोला था वो बोलता है कि मुयोंग ने उसे बोला है कि सेवा उसके लिए एक इजी टारगेट था पटाने के लिए और उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही किया है। तो ये सब जब उसंग बोल रहा था तब मुयोंग आके उसंग को बोलता है कि सेवा को मेरे बारे में कुछ भी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि मैं खटिया हूँ। ये बोल के मुयोंग और सेवा वहाँ से गाड़ी लेके चले जाते हैं और उसंग भी सेवा को रोकने के लिए गाड़ी में उसका पीछा करता है और मुयोंग और सेवा को गाड़ी में कहीं जाते हुए जिनकंग देख लेती है। तो सेवा उसंग से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाती है और उसंग भी ड्रिंक करते हुए बहुत ही स्पीड से गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चलाते हुए रास्ते में अचानक सेवा की गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने गाड़ी के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है। तभी उसंग की गाड़ी आके सेवा के गाड़ी को टक्कर मारती है और उन दोनों के गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद हम गाड़ी के अंदर मुयोंग को देखते है जिसको की अपनी चाइल्डहुड की बातें याद आती है जहाँ चाइल्डहुड में किसी आदमी ने उसके सामने उसके पापा को मार डाला था। तो ये याद आने के बाद मुयोंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और यूरी जिनकुक को मियोन मर्डर केस की सारी ही सच्चाई बताने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और बोलती है कि मुझे सिर्फ यही याद है कि मैं मियोन के घर में गई थी। तब मियोन और उसकी बॉयफ्रेंड सांगुन के बीच झगड़ा हो रहा था। इसके बाद मैंने उसके घर में सिर्फ ब्लड देखा। इसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुन के जिनकुक यूरी को मियोन के घर में ले जाता है ताकि यूरी को कुछ याद आए, लेकिन यूरी मियोन के घर में नहीं जाती और वहाँ से भाग जाती है और जिनकुक भी उसके पीछे पीछे भागता है। और उसके पीछे जाते हुए जिनकुक ये नोटिस करता है कि यूरी जिस रास्ते से भाग रही है वहाँ पे सभी सीसीटीवी कैमरा फेक है। आगे जिनकंग को न्यूज से पिछली रात सेवा के कार एक्सीडेंट की खबर मिलती है और न्यूज में ये भी बताया जाता है कि उस कार एक्सीडेंट में उसंग की मौत हो गई है, लेकिन न्यूज में मुयोंग के बारे में कोई भी खबर नहीं देते। तो जिनकंग सेवा की खबर सुन के हॉस्पिटल जाती है और सेवा का ऑपरेशन कंप्लीट करके डॉक्टर बोलते हैं कि सेवा अब खतरे से बाहर है और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। तो इस खबर को बाकी जिनकंग खुश हो जाती है, लेकिन उसे मुयोंग के सेफ्टी को लेकर डर लगने लगता है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मुयोंग का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि किसी को ये भी पता नहीं था कि एक्सीडेंट के वक्त मुयोंग सेवा के कार में उसके साथ ही था। इसके बाद जिनकंग से सेवा की खबर पाके जिनकुक हॉस्पिटल जाता है जहाँ जिनकंग मुयोंग के बारे में जिनकुक को बताती है कि कैसे उसंग के लोगों ने मुयोंग को मारा था। इसके बाद जिनकंग बोलती है कि मुयोंग सेवा के साथ गाड़ी में था लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुयोंग का कुछ भी अता पता नहीं है। तो ये सब कुछ सुन के जिनकुक जिनकंग को ये अश्योर करता है कि वो मुयोंग को ढूंढेगा। आगे जिनकंग हर वक्त सिर्फ मुयोंग के बारे में ही सोचती रहती है और हर रोज मुयोंग के घर में जाके उसके आने का वेट करती रहती है। और जिनकंग को मुयोंग के लिए इतना परेशान देख के जिनकुक भी परेशान रहने लगता है। इसके बाद जिनकुक देखता है कि डिटेक्टिव चिन सेवा के एक्सीडेंट के केस को संभाल रहा है और उस डिटेक्टिव के साथ पहले जिनकुक काम करता था। तो ये जान के जिनकुक डिटेक्टिव चिन से मिलता है और उससे मिल के मुयोंग के बारे में पूछता है। तो डिटेक्टिव चिन उसको बताते हैं कि उन लोगों को जब मुयोंग की बॉडी मिली थी
तब उसकी हालत उतनी खराब नहीं थी और उन लोगों को सेयोंगा के बैग में बहुत सारे पैसे और मुयोंग की दी हुई एक नोट मिली थी। और इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को पता चला कि उस दिन उसंग ने बहुत ही ड्रिंक किया हुआ था और उसकी गाड़ी जब सेयोंगा की गाड़ी को टक्कर मार रही थी तब उसंग उसके गाड़ी को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि मानो उसंग चाहता था कि वो तीनों ही मर जाए। तो उसंग की फैमिली को जब इन सबके बारे में पता चलता है तब वो लोग कंपनी और उसंग के रेपुटेशन को बचाने के लिए न्यूज में ये बताते हैं कि उसंग और सेयोंगा एक ही गाड़ी में थे और उसंग के फैमिली मेंबर्स एक्सीडेंट के बाद मुयोंग को कहीं ले जाते हैं। लेकिन डिटेक्टिव जिन को नहीं पता था कि अब मुयोंग कहाँ है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम उसंग की बहन सेरान को देखते हैं जो कि उसंग के फ्यूनरल में जाती है और वहाँ नकली आंसू बहा के फिर हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है जहाँ पर मुयोंग था। तो सेरान ने मुयोंग को सबके नजरों से अलग रखने के लिए उसको अलग कमरे में रखा था। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि उसंग की सेक्रेटरी अब सेरान के लिए काम कर रहा है। आगे डिटेक्टिव जिन जिन कुक को बताते हैं कि वो जिस लड़के को ढूंढ रहा था वो लड़का 20 साल पहले उसके सेउल में शिफ्ट होने के बाद जिन कुक से मिलने पुलिस स्टेशन में गया था। तब वो बच्चे के साथ टीम लीडर ली ने बातें किया था। तो ये जान के मुयोंग टीम लीडर ली से बातें करता है और उससे पूछता है कि क्यों उसने जिन कुक को नहीं बताया कि वो बच्चा 20 साल पहले जिन कुक से मिलने पुलिस स्टेशन गया था। तो टीम लीडर ली बोलते है कि तुम तब सियोल आ गए थे इसलिए मैंने उस बच्चे को ये बोल के भगा दिया था कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रहे हो वो आदमी यहाँ नहीं रहता। तो ये सुन के जिन कुक गुस्से भरी नजरों से टीम लीडर ली को देखता रहता है। इसके बाद मुयोंग को होश आ जाता है और वो उसके सामने उसंग के सेक्रेटरी जो कि अब सेरांग के लिए काम करता था उसको देखता है। फिर मुयोंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर जाता है और उसके घर में जाने के कुछ ही टाइम बाद रोज की तरह जिन कंग मुयोंग के इंतजार में उसके घर में जाती है और मुयोंग की बिल्ली से पूछती है कि तुम कहाँ हो। तभी वहाँ मुयोंग आता है और उसको देख के जिन कंग वहाँ से जा रही होती है कि तभी मुयोंग उसको रोक के उसको किस करता है। इसके बाद जिन कंग मुयोंग के घर से अपने घर जाती है जहाँ जिन कुक उसे बताता है कि उसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुयोंग बिल्कुल ही ठीक है लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में उसे नहीं पता। तो ये सुन के जिन कंग बोलती है कि मुयोंग लौट आया है। फिर इसके बाद जिन कुक को पास्ट की बातें याद आती है जहाँ हम योंगर मुयोंग को देखते है और ये वही लड़का था जिस लड़के की तस्वीर उस मिसिंग पोस्टर में था जिसको मुयोंग पहले देख रहा था। तो हम योंगर मुयोंग को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसका हाथ जल गया था इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी और जिन कुक मुयोंग को दूर से ट्रीटमेंट लेते हुए देखता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और जिन कुक और जिन कंग को पता चलता है कि सेयोंगा की मौत हो चुकी है। तो ये जान के जिन कंग पूरी ही टूट जाती है। आगे हम सेरन को देखते है जिसको की उसकी सेक्रेटरी बताता है कि मुयोंग के होश आने के बाद वो उस एग्रीमेंट को बिना पूछे साइन कर देता है और पैसे भी ले लेता है। तो मेरे हिसाब से शायद उस एग्रीमेंट में यही लिखा था कि मुयोंग का जो सेवा के साथ रिलेशनशिप था इसके बारे में मुयोंग किसी को भी नहीं बताएगा और ये भी किसी को नहीं बताएगा कि मुयोंग एक्सीडेंट के वक्त सेवा के साथ ही था। इसके बाद सेवा की मौत हो जाने के बाद जिन कुक मुयोंग से मिलता है और उससे मिलके बोलता है कि क्या उसंग ने जो तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया था इसीलिए तुम रिवेंज लेने के लिए उस दिन सेवा के साथ थे उसंग को जलाने के लिए और अगर तुम्हें ये पहले से ही पता होता कि उस दिन तुम्हारी सेवा के साथ मिलने से सेवा उसंग और तुम्हारी मौत भी हो सकती है तो भी क्या तुम सेवा से मिलने का डिसीजन लेते। इसके जवाब में मुयोंग बोलता है कि हाँ अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये सब कुछ होने वाला है तो भी मैं वही डिसीजन लेता। जिसको सुन के जिन कुक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और घर जाके जिन कंग को बोलता है कि तुम आगे से मुयोंग से नहीं मिलोगी। मुयोंग ने सेवा को मार डाला और उसके लिए सब चीज एक गेम है। तो ये सुन के जिन कंग बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। तो जिन कुक बोलता है कि अगर मुयोंग को पहले से ही पता होता कि उसके डिसीजन का ये आउटकम हो सकता है तो भी वो उस डिसीजन को लेके अपने और सेवा के जान को दाव पे लगाता। तो ये सुन के जिन कंग शॉक्ड हो जाती है। आगे मुयोंग के केस फिर से रीओपन होने के बाद छोरेंग लीडर ली के कहने पर मुयोंग के घर के आसपास उस दिन के सभी गाड़ियों के डैश कैम वीडियो को चेक करता है जहां वो
मुयोंग को मियोन के मर्डर के टाइम उसके घर के आसपास देखता है। ये देख के उसे लगता है कि मुयोंग ने ही मियोन को मारा है, तो ये जान के वो इसके बारे में सभी डिटेक्टिव्स को बताता है और सभी पुलिस मुयोंग को मियोन के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने जाते हैं। आगे जिन कुक यूरी से मिलता है, जहाँ यूरी उसे बताती है कि उसे उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ उसे यही याद है कि उसे जब होश आई तब उसने सिर्फ खून देखा था, इसके अलावा उसे और कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के जिन कुक यूरी को बोलता है कि मुयोंग को पता था कि मियोन के घर के आसपास सभी सीसीटीवी कैमरा फेक है और इसके बारे में मुयोंग ने तुम्हें बताया था, इसलिए उस दिन मियोन के घर से भागने के वक्त तुमने वही रास्ता चुना था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा फेक थे और मुयोंग ने ही तुम्हें मियोन के घर के सिक्योरिटी कोड दिया था। तो ये सुन के यूरी बोलती है कि ना ही उसने और ना ही मुयोंग ने मियोन को मारा है। तो ये सुन के जिनकुक बोलता है कि मैंने भी पहले किसी को मारा है और फिर मैंने वहाँ से एक फ्रेश शुरुआत किया है, तो तुम भी फिर से फ्रेश तरीके से शुरुआत कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह आके तुम्हारे गुनाहों को कबूल करना होगा। तो जिनकुक ने किसको मारा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे जिनकंग मुयोंग से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए सब कुछ एक गेम है, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारी उस डिसीजन की वजह से तुम्हारी और सेयोंग की जिंदगी खतरे में आ सकती है, फिर भी क्या तुम वही डिसीजन लेते, या तुम्हें किसी और की और खुद की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। वो कुछ दिन जब तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं था तब मैं तुम्हें लेकर वरीड थी, मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर फिक्र हो रही थी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई भी कदर नहीं है। ये सब कुछ जिनकंग जब बोल रही होती है तब मुयोंग शांत होके उसको सिर्फ देखता ही रहता है। तो ये सब कुछ बोल के जिनकंग वहाँ से चली जाती है और तभी पुलिस आके मुयोंग को अरेस्ट कर लेते हैं और यहाँ ही पार्ट 4 खत्म हो जाती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कॉमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।